आप लोगों को मेरे सी एडिटिंग चैनल में स्वागत है। आप भाई देख सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर 2023 का कितना बढ़िया फोटो एडिटिंग हुआ है। तो भाई लोग, इस प्रकार का फोटो एडिटिंग करने के लिए मनीष एडिटिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो भाई, इस प्रकार का फोटो एडिटिंग करने के लिए बस सिर्फ हमको एक ही एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पिक्सआर्ट, जो हमें प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो भाई लोग, इस प्रकार का फोटो एडिटिंग करने के लिए इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो भाई लोग, सबसे पहले चलते हैं अपने हम किसी एक बैकग्राउंड को हम ले चलते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। जैसे भाई ये हो गया मेरा बैकग्राउंड, इसको हम ले चलते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। अब भाई मेरा हो गया पिक्सआर्ट, इसको लेके चलते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। पिक्सआर्ट के अंदर लेके जाने के बाद यहाँ से थोड़ा इफेक्ट पे जाएंगे। इफेक्ट जाने के बाद इसके बाद जो लिखा है BSW, इस पर हम क्लिक करेंगे। BSW पर क्लिक करने के बाद जो ऊपर ऑप्शन आ गया है, पहला जो लिखा है BSW, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो भाई देख सकते हैं थोड़ा मतलब ब्लैक हो चुका है यहाँ से। फिर इसके बाद जो कोने में सही वाला है गुड्डे, इसको हम सही कर लेंगे। सही करने के बाद यहाँ से हम भगाएंगे थोड़ा। उसके बाद हम ऐड फोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पर जाने के बाद हमको जिस फोटो को एडिटिंग करना है उस फोटो को हम ले लेते हैं। जैसे भाई हमारा ये हम इसको करना चाहते हैं, इसको हम ले लिए। इसके बाद यहाँ से जो कोने में ऐड वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसको ऐड करके यहाँ से जूम करके इस प्रकार से कुछ लगा देते हैं। लगाने के बाद यहाँ से हम थोड़ा क्या करेंगे भाई लोग, प्लस वाले आइकन पर जाएंगे। प्लस वाले आइकन पर जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पर जाने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले PNG को हम ऐड करेंगे। PNG को ऐड करने के लिए ऐड कर लेंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ से जो कॉर्नर में लिखा हुआ है ऐड, इस पर हम क्लिक करेंगे। ऐड करने से कुछ इस प्रकार से हम इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब जो ब्लैक है उसको हमें हटाने के लिए थोड़ा इसको भगाएंगे। भगाने के बाद यहाँ जो ब्लेंड वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद भाई देख सकते हैं हमारा जो है इसको मतलब ब्लैक हट चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं भाई जो हमारा ऊपर है मतलब फोटो के ऊपर, इसको हमें पीछे करना है। पीछे करने के लिए ऊपर जो डबल लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो लिखा है मूवी डाउन, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो भाई देख सकते हैं फोटो के पीछे चल गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी मतलब यहाँ से जूम करके थोड़ा इस प्रकार से लगा देंगे। लगाने के बाद जो कोने में लिखा है प्लस, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जाएंगे हम ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद हम दूसरा PNG अपना ऐड कर लेंगे। तो इसके बाद भाई जो लिखा है हुआ है 2022-23 हैप्पी न्यू ईयर, इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इस प्रकार से हम इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद इसको हमें ब्लैक जो हटाना है, इसके बाद हम थोड़ा भगाएंगे। भगाने के बाद जो यहाँ लिखा है ब्लेंड, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको भी हम स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद हमको कुछ इस प्रकार से इसको लगाना है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको हम बढ़ा लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से करने के बाद यहाँ से हम कुछ लगा देते हैं इसको। और लगाने के बाद यहाँ से हम प्लस वाले आइकन पर जाएंगे। प्लस वाले आइकन पर जाने के बाद फिर हम दोबारा ऐड फोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ से हम और PNG को ऐड कर लेंगे। इस बार हमको यह वाला PNG ऐड करना है। इसके बाद हम यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कुछ हमको इस प्रकार से इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसको हमें नीचे यहाँ से लगा देना है। पहले भाई थोड़ा हमारा फोटो ये जो ऊपर हो गया, थोड़ा इसको हम डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद इसको हम लेकर आएंगे, यहाँ से लगा देंगे। इसको लगाने के बाद हम यहाँ से थोड़ा भगाएंगे। इसके बाद हम ब्लेंड पर जाएंगे। तो भाई अब की बार हमको इसके नए की बार हमको मल्टीप्लाई करना है। इसको जो व्हाइट है उसको हमें हटाना है। इसके बाद हमको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम जो थोड़ा जूम है इसको हम थोड़ा कम कर देंगे। इसको हम ऐड फोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ से फिर दोबारा से जो अनुष्का उनका PNG इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से जूम कर लेंगे। यहाँ से जूम करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसको हम लगा लेंगे। इसको यहाँ से कुछ हम इस प्रकार से लगा लेंगे। इसके बाद हम ऐड फोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ से हम कुछ और PNG को ऐड कर लेंगे। अब की बार हमको इस वाले PNG को ऐड करना है। इसके बाद इसको हम इस PNG को ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसको जूम कर लेंगे। सॉरी भाई, ये हमारा जो PNG है इसको हम यहाँ से जूम कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। जूम करने के बाद यहाँ से हम इसको लगा देंगे इस प्रकार से कुछ। उसके बाद इसको हमें इस प्रकार से भगाना है। उसके बाद जो ब्लैक वाला है इसको हमें हटाने के लिए यहाँ से ब्लेंड पर जाएंगे। उसके बाद स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद देख सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत चेहरे पर है, हमें इसको हटाने के लिए यहाँ से इरेज वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको हमें इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद यहाँ से सही कर देंगे।
सही करने के बाद प्लस वाले आइकन पर जाएंगे, उसके बाद हम ऐड फोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ से हम जो हैप्पी न्यू ईयर 2000 है इसको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमको इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद हमें यहाँ इसको लगा देना है। इसको लगाने के बाद प्लस वाला आइकन पर जाएंगे, उसके बाद ऐड फोटो पर जाएंगे। हमें इस हमें एक पीएनजी को और ऐड करना है, उसके बाद हमें इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से हम कुछ जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद यहाँ से थोड़ा भगाएंगे। भगाने के बाद जो ब्लेंड वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने का इसको कुछ हमें इस प्रकार से इसको लगा देना है। लगाने के बाद आप भाई देख सकते हैं फ़ोटो कितना बढ़िया लग रहा है और अच्छा लग रहा है। अब भाई देख सकते हैं फ़ोटो में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई लोग, इस प्रकार का फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाना है। इसके बाद हमें इसको गैलरी के अंदर अपने सेव करना है। तो कोने में जहाँ पर सही वाला ऑप्शन, इसको क्लिक कर देंगे हम। क्लिक करने के बाद यहाँ से भाई देख सकते हैं जो तीर वाला ऊपर ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो नीचे सेव वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अभी भाई देख सकते हैं कुछ देर बाद देखो ऊपर लिख चुका है सेव टू और फोटो और गैलरी।